9 महीने पहले ग्वालियर के सौजना गांव में रहने वाली नाबालिग के साथ गांव के ही एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया था। बदनामी के डर से पीड़िता और उसके परिवार ने इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। जब नाबालिग मां बनी तो इस मामले का खुलासा हुआ और अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में 9 महीने पहले एक 17 साल की नाबालिग मवेशियों को चराने गई थी। इसी दौरान गांव के ही एक व्यक्ति अभिषेक कुशवाहा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। नाबालिग ने बात अपने परिवार से छुपा ली, लेकिन जब वह गर्भवती हुई तब इस बारे में परिजनों को पता लगा। उन्होंने भी बदनामी के डर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाना उचित नहीं समझा, लेकिन जब नाबालिग को प्रसव के लिए अस्पताल लाया गया और उसने मृत बच्चे को जन्म दिया तब प्रसूति गृह से पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग द्वारा बताया गया उसमें कि वो करीब 7-8 माह पूर्व अपने जो गांव में भैंस चराने गई हुई थी, वहाँ पर उनके समाज के एक युवक द्वारा उसके साथ में दुष्कर्म किया गया था, तो उसकी समझ में नहीं आया और फिर जो उसके कारण जो है प्रेगनेंसी के कारण उसके पेट में दर्द हुआ और दर्द के कारण जब हॉस्पिटल में लेके आए तो पता चला कि बच्चा जो है 9 माह का उसके पेट में था। उसकी डेथ बच्चे का जो है वो करवाया गया, डिलीवरी करवाई गई और उसकी रिपोर्ट पर से जो है अपराध जीरो का अपराध पंजीबद्ध करते गिरा थाने भेजा गया। चूँकि मामला गंभीर प्रकृति का था, नाबालिग के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म हुआ था, तो पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल आरोपी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया और तिगरा पुलिस द्वारा तत्परता से विवेचना करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही, गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।